हाँ, आप देख रहे हैं इस इटली का आपका चैनल। दोस्तों यहाँ पर आपको एक तो छोटा सा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, एक लेनोवो के स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं इसमें कुछ, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे तो नहीं है, पर लगभग इसमें कुछ नए अपडेटेड डायग्राम्स भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बीच बीच में हम आपको थोड़ा बहुत अपडेट देते रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको ये लगभग इतने मिलने वाले हैं। इसको अगर मैं फोटो में दिखाऊं तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इतने सारे डायग्राम आपको फ्री में ये हम यहाँ पर दे रहे हैं। और जनरली ये डायग्राम आपको काम में आएंगे। तो ये छोटा सा अपडेट था। अच्छा, ये डायग्राम को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सब यहाँ पे आपको ये जो फाइल है आपकी 7Z में है, तो आप इसको विनजिप में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 7Z में भी। ये 7Z एक तरह से कंप्रेसर की तरह काम करता है। आपको क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू कर देना है। और जैसे आप इसको ये करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, देखिए जैसे ये यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर मैनुअल और इसके स्कीमेटिक डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो मॉडल है K920 है, और जिसमें एक मिडिल बोर्ड और इसका लेआउट और एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। मिडिल बोर्ड वो होता है जिसमें आपका पूरा पीसीबी और ये सारी चीज़ें, मतलब जो लगा होता है आपके सारे कंपोनेंट और सारे सेक्शन जितने भी होते हैं, जो दूसरा सब बोर्ड होता है जो नीचे जिसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है छोटा सा। तो ये डायग्राम आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री। अब आपको उसको डाउनलोड कैसे करना है, तो भैया पहली बार तो सीधे आपको नीचे लिंक दे दी गई है। चाहो तो ये डायरेक्ट वेबसाइट पे भी आप चाहो तो डायरेक्ट आप इसको, ये जो मैं यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ asiatelecom@repaint.com, आप चाहो तो अपना डायरेक्ट एड्रेस में डाल के ये भी आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो जैसे आप इसको खोलेंगे और इसको आप ओपन करेंगे, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। अभी हमारी एक नई वेबसाइट और लॉन्च हो रही है जिसको हम बहुत जल्दी अपडेट करेंगे अपने चैनल पे। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर लेनोवो PDF स्कीमेटिक डायग्राम्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे और भी अपडेट्स मिलते रहते हैं, आप इसको ओल्ड पोस्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लेनोवो PDF में, हालांकि डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे वीडियो के नीचे जाइए और इस लिंक का यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे मेगा की लिंक डली हुई है, और आप चाहो तो फोर्थ ईयर में इसमें कुछ और भी डायग्राम यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये पूरा आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। आप जाइए इस वीडियो के नीचे, मजे लीजिए और इसको डाउनलोड कीजिए। जितना भी हो सकता है सीखने की कोशिश कीजिए, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी थोड़ा बहुत एशिया टेलीकॉम के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अपडेट देना चाहता हूँ कि 14 तारीख को जिस तरह से लॉकडाउन खत्म होने वाला है और ट्रेनों की जो सेवा है वो चालू होने वाली है, तो हमारे 28 अप्रैल का जो बैच हमारा जो लगता है वो वैसे ही उसी डेट में लगेगा। तो जो भी 28 अप्रैल का हमारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो वो हमारे जो नीचे दिए नंबर है 9644131972 पर 12 बजे से, ध्यान रखिएगा दिन में 12 और 5 के बीच में कॉल करके, हमारी कॉलिंग मैनेजमेंट पूरा चालू है, आप उसमें बात कर लीजिए। और बात करने से ये होगा कि आपको कंफर्मेशन आप ले लीजिए उसमें, हालांकि आप सबको कंफर्मेशन कॉल जाएंगे हमारी तरफ से, जितने भी हमारे जो बुकिंग जो हमारे यहाँ बुक कराए हैं, हमारी अपनी सीट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए। तो आपका जो यहाँ क्लासेस है वो लगेगा, क्योंकि 14 के बाद ऑलमोस्ट कोरोना बिल्कुल एंड पे ही चल रहा है, और अभी हम स्टेज दूसरे पे भी नहीं गए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपको 25-26 वही 26 तारीख का आपको यहाँ पे टिकट कराना है, और आपको 27 से पहले आना है, तो 28 तारीख से आपकी जो क्लास है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो ये आपको इंश्योर करना है, आपको 28 से पहले जबलपुर यहाँ पे आना है। आपको हॉस्टल में सारी व्यवस्था हम यहाँ पे हमने कर दी गई है। तो ये डायग्राम का इंजॉय कीजिए, और यहाँ पर हम ऐसे ही चीज़ें आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। और मैं बता दूँ, अगर आपको EMMC करना है, देखिए दोस्तों मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग के नाम से है, ऐसे ही कुछ बेकार, मतलब कुछ भी बता बता के कोर्स डाले जा रहे हैं, और जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, जो कि अपने ही लेवल पे एक यूनिक चीज़ बता कर डाली जा रही है, जो कि मेरे को लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। अब अगर हम आपसे बात करें, हम हार्डवेयर भी कराएं, सॉफ्टवेयर भी कराएं, और EMC भी करवाएं, जिसमें EMCP और UFS सब कुछ हो, तो उसको मिलाकर किसी ने अगर कोई नाम दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोर्स कुछ अलग है, कुछ नया है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप सिर्फ EMMC करना चाहते हैं, आपको हार्डवेयर आता है, आपको सॉफ्टवेयर आता है, तो हमारी EMMC की आप ट्रेनिंग लीजिए।
आपको बहुत आसान मिलेगी और ईएमसी करने में, क्योंकि हम यहाँ पर देखो जो बेसिक ईएमसी पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, उसका हमने भी वीडियो भी डाला है, जैसे कि आपने देखा मेरे देवोत्तम अग्रवाल चैनल पे। सो उसके वीडियो में आपने देखा होगा कि ज्यादा खास सिर्फ उसमें खाली जो ऑनलाइन समझाते हैं या जो 5,000 रुपए लेके ही ईएमसी पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, या जो भी छोटे मोटे लेवल पे जो काम करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ आईएसपी बताते हैं और आईएसपी के कुछ फंडे बताते हैं और बेसिक ईएमसी चेंज करना बताते हैं, पर हम आपको प्रैक्टिकली पूरा पेस्टेड आईसी निकालना लगाना ये पूरा सिखाएंगे। स्वैपिंग आपको सिखाएंगे एंड्रॉइड में, सीपीयू और सीपीयू चेंज करना, बेसिकली ईएमसी चेंज करना, और जो कि चेंज करना लोग नहीं बता पाते क्योंकि उनको खुद नहीं आता है, ये सारी चीज हम सिखाएंगे। सो ये चीज आप पूरा हमारे यहाँ सीख सकते हैं। और ईएमसी के हमारे 5 मई को हमारा बैच खुलेगा, अप्रैल के बाद जो आने वाला है, और 15 मई, तो 5 और 15 मई की हमारी ईएमसी की आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास में वर्ल्ड लेवल के बेस्ट हमारे पास टूल्स हैं आपको समझाने के लिए। और जितना भी हम यहाँ पर, आप चाहें तो अपने पूरे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आप यहाँ ला सकते हैं 10, 15, 20, और ये हम आपसे ही रिपेयर करवाएंगे टेक्निकली, और इस रिपेयरिंग का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो ये बहुत एक अच्छी बात होगी। तो ये एमसी के लिए आप आ सकते हैं। और दोस्तों साथ में अगर आईफोन अगर आप सीखना चाहते हैं एक अच्छे लेवल पे, और अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, सिर्फ हवा में नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट गए और फिर इंस्टीट्यूट गए और इंस्टीट्यूट के जाने के बाद भी फिर पता ही नहीं है कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार एसर टेलीकॉम आईफोन ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने गारंटी दी है 3 सीपीयू को स्वैपिंग करवा के ही भेजेंगे आपसे, और उतना कॉन्फिडेंस आपने में डेवलप करा देंगे कि आप कस्टमर के बोर्ड में जब काम करोगे तो डेड रिस्क है वो आपको बेसिकली बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं डेड रिस्क में काम करूंगा, विदाउट डेड रिस्क आप कस्टमर के आप साइड में काम करोगे। और तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम जितना लेवल पे हम सिखाते हैं यहाँ पर डायग्राम्स, इसमें स्कीमेटिक कैसे रीड करना है, जेड एक्स वूजिंग, जितने भी जो टूल्स आ रहे हैं जितने भी मार्केट में, उस लेवल पे सिखाना, मतलब तैयार कर देना परफेक्ट तरीके से कि आप एक बिल्कुल मैदान के लिए आप रेडी हो। जैसे हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि एक जो नया स्टूडेंट है वो अपने आप को 10 साल के बराबर में कंपेयर कर सकता है, थोड़ी बहुत उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आप ही जानते हैं, और आपको प्रैक्टिस उतनी लेवल पे करनी पड़ेगी। सो आप एसी टेलीकॉम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कॉल हमारे खुले हुए हैं, और ये जो कॉलिंग हमारी सेवा जो खुली हुई है, जो कॉलिंग मैनेजमेंट हमारा जो खुला हुआ है, वो खुला हुआ है हमारा 12 बजे से 5 बजे के बीच में, और आप इस पर कॉल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी, और अपनी सीट बुक कराइए, और समय पर, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमारे देखिए अप्रैल में, अभी अप्रैल के बैच में किसी भी नए स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पाएगी, मैं पहले बता देता हूँ, हमारा मई भी फुल है, और जून हमारा जून में चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने मार्च का बैच नहीं लगाया था, तो हमारे मार्च के सारे भी जितने स्टूडेंट है हमने उनको जून में, और हो सकता जितने भी हमने मई में उसको शिफ्ट किया हुआ है, अप्रैल में तो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पहले से बुक हैं, तो जो स्टूडेंट हैं हम उन्हीं को बुला रहे हैं, और कोई भी नए स्टूडेंट हम इसमें नहीं बुला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप अपडेटिंग, कीप मोटिवेट एंड keep working. Thank you very much. साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए, 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए, यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है, अच्छा हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को, एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने 4 बार किया, 5 बार किया, 3 बार, फिर अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, 2 बार सर, 2 बार, 3 बार, 2 बार सर, 2 बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, 3 बार, 6 बार, 6 बार किया आपने, 6 बार किया है, 4 बार, 4 बार किया है, वेरी गुड, 2 बार सर, इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है, सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है,
यस सर भी बोलना है बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, आदि चैनल के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने। तीन बार दो बार नंबर बोलते रहो। दो बार नंबर बोलते रहो बस। 14 बार। 14 बार क्या बात कर रहे हो इतना। दो बार किया ये फेक तो नहीं बनना है, बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने 6 बार 6 बार 5 बार 6 बार सर 5 बार 7 बार बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 3 बार 5 बार 4 बार 2 बार 6 बार 5 बार 5 बार 3 बार 2 बार तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने। एन आईएसओ 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट, एशिया टेलीकॉम, एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.